पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर शहर का दौरा किया और बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को जहां आर्थिक सहायता बांटी, वहीं सभी वार्डों का भी दौरा किया जहां जहां पर बारिश ने कहर बरपाया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर शहर के वार्ड नंबर 9 में पीड़ित परिवारों से मिलने का कार्यक्रम शुरू किया, वहीं से होते हुए वार्ड नंबर 8 व अन्य वार्डों का दौरा किया। इस मौके पर उपमंडल अधिकारी सुजानपुर शिवदेव सिंह, तहसीलदार सुजानपुर अशोक पठानिया, नगर परिषद अधिकारी किशोरी लाल ठाकुर, सुजानपुर संबंधित वार्ड पार्षद, नगर परिषद उपाध्यक्ष कमलेश कुमारी, अध्यक्ष रमन भटनागर के साथ साथ स्थानीय लोग मौजूद रहे। सुजानपुर शहर में सोमवार को बारिश से सैकड़ों मकानों में बारिश का पानी प्रवेश किया, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सुजानपुर पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस कुदरती त्रासदी पर गहरा दुख प्रकट किया और कहा कि प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों को फौरी राहत मुहैया करवाई गई है। शीघ्र ही सभी पीड़ित परिवारों को सरकार की ओर से जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सुजानपुर प्रशासन ने देर रात तक मोर्चा संभाले रखा, लोगों को समस्याएं न हो इसका पूरा ख्याल रखते हुए कार्यवाही की, जिसके लिए सुजानपुर प्रशासन बधाई का पात्र है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण को बढ़ावा ना दे प्रशासन का इस कार्य में सहयोग दें ताकि बरसात का पानी जो आजकल उनके घरों में घुसा है पुनः ना आए। इस मौके पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुदरत ने बहुत कहर बरसाया है पिछली रात को, सारे देश के विभिन्न हिस्सों में और प्रदेश में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं सुजानपुर के SDM और प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने सारी रात काम करके लोगों को राहत पहुंचाई है। जो प्राकृतिक नुकसान हुआ उसकी पूरी भरपाई तो संभव नहीं होती, लेकिन जहां कंस्ट्रक्शन में कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए, नजायज कब्जे हटें ताकि पानी का बहाव चलता रहे। लोग और प्रशासन मिलकर इसको हल करें, नगर पंचायत इसमें सहायता करें। कुछ राहत तुरंत तौर पे SDM साहब के माध्यम से दी जा रही है। अब एस्टीमेट लगेगा, जब पूरा जो नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई बाद में की जाएगी।